दोस्तों आईपीएल 2022 को लेकर आज के दिन 10 बड़ी अपडेट सामने आई है, जिनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल ने भी नई जर्सी लॉन्च किया। तो वहीं रिजर्व प्लेयर के तौर पर आरसीबी ने एक बेहतरीन ऑलराउंडर को अपने टीम में शामिल किया। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ऑफिशियली अपने कप्तान की घोषणा कर दी है और आरसीबी की नए कैप्टन जो है फैफ डुप्लेसी। जी हां, फैफ डुप्लेसी आईपीएल 2022 में आरसीबी की कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले। बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, तो दूसरी बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस को लेकर। दोनों ही टीमों ने अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है। दिल्ली कैपिटल की जर्सी जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन किया गया और ये जर्सी काफी बेहतरीन दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम मुंबई इंडियंस की नई जर्सी की बात करें तो इस टीम में काफी बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि इस टीम का स्पॉन्सर चेंज तो हुआ है और जर्सी में भी थोड़े से बदलाव जरूर हुए हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे मुंबई इंडियंस की नई जर्सी। वैसे ये दोनों टीमों की जर्सी आपको कैसे लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वही तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो है लखनऊ सुपर जॉइंट टीम की तरफ से। लखनऊ सुपर जॉइंट भी 15 मार्च को अपनी नई जर्सी लॉन्च करने वाली है, लेकिन उससे पहले इस टीम की जर्सी लीक हो गई, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे कुछ ऐसी जर्सी रहने वाली है लखनऊ सुपर जॉइंट की। वही चौथी बड़ी जो अपडेट है लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए, लखनऊ सुपर जॉइंट का जो थीम सॉन्ग रहने वाला है वो बादशाह गाने वाले हैं और बादशाह काफी बड़े सिंगर है। अब बादशाह के फैंस के लिए भी काफी बड़ी खुशखबरी है, वो लोग काफी खुश भी हुए होंगे और बादशाह आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए थीम सॉन्ग गाने वाले हैं। दोस्तों पांचवी जो बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2022 के लिए अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। तो यही जर्सी है जो आईपीएल 2022 में आरसीबी के सभी खिलाड़ी पहनकर नजर आने वाले। वैसे आप इस जर्सी को कितना स्टार देना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वही छठा जो बड़ा अपडेट है गुजरात टाइटंस को लेकर है। गुजरात टाइटंस आज यानी कि 13 मार्च को आईपीएल 2022 के लिए अपनी जर्सी लॉन्च करने वाली है, वो भी बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक फंक्शन लगा, जिस फंक्शन में गुजरात टाइटंस अपना लॉन्च करेगी नई जर्सी। वही सातवीं जो बड़ी अपडेट है लसित मलिंगा को लेकर। लसित मलिंगा फास्ट बॉलिंग कोच बन चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के। अब राजस्थान रॉयल्स में ये कोचिंग के तौर पर नजर आने वाले आईपीएल 2022। सातवीं बड़ी अपडेट की बात करें तो आईपीएल 2022 का टिकट को लेकर है। आईपीएल 2022 के टिकट अभी तक बिकना चालू नहीं और 26 मार्च से आईपीएल 2022 स्टार्ट हो जाएगा। अब 2 से 4 दिनों में हमको आईपीएल 2022 का टिकट भी मिलना चालू हो जाएगा। वही आठवीं जो बड़ी अपडेट है रिप्लेसमेंट प्लेयर को लेकर है। जब से कि आईपीएल 2022 में अब तक 2 ही प्लेयरों की रिप्लेसमेंट हुई है, जो कि ऑरन फिंच आए हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज आए हैं। तो वही अब 2 और टीमें अपना रिप्लेसमेंट प्लेयर की घोषणा कर देंगी, जिनमें दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग है। चेन्नई सुपर किंग दीपक चहर को रिप्लेस करेगी, तो वही दूसरी जो टीम है अनिरुद्ध नौरिया को रिप्लेस करने वाली है। वही अब 10वीं और आखिरी अपडेट की बात करें तो रिजर्व प्लेयर को लेकर है। आईपीएल 2022 में ग्लेन मैक्सवेल स्टार्टिंग के 4 से 5 मुकाबले नहीं खेल पाएंगे, तो रिजर्व प्लेयर के तौर पर साकिब उल हसन को ये टीम अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों ये रही 10 बड़ी अपडेट, इनमें से सबसे बड़ी अपडेट आपको कौन से लगी और आपको कौन सी जर्सी ज्यादा बेहतरीन लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडेंट बस इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।